बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। मैं अली हैदर आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस सीक्वेंस में आपको हमारी फैकल्टी जो मैथमेटिक्स की थी वो लॉकडाउन के कारण आने में असमर्थ है। आप सब जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके सामने कुछ अपना प्रस्तुत कर सकूँ। जैसे मैंने आज आपके लिए एक अच्छी ट्रिक ली है, ट्रिक में है आपकी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। देखिए, जो ज्ञान है जिसके अंदर वो उसको उजागर किया जाए, बाहर किया जाए, उसी कड़ी में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स। देखिए ट्रिक्स क्या, हम आप जानते हैं मैथमेटिक्स की हमारे चैनल पर फैकल्टी बहुत हैं, 2-3 लोग हैं पढ़ाने वाले, अच्छे टीचर्स हैं, बट लॉकडाउन के कारण कोई आने में समर्थ नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं बन रही उनके आने की। तो आज मैं आपको मैथमेटिक्स में ओनली मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स पढ़ाऊंगा कि आप गुणा को कितनी आसान वे में कर सकते हैं। अगर आपसे मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए तो आप सेकंड में उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पहला है जब 11 से गुणा की जाए। दोस्तों 11 से गुणा की कैसे की जाए, देखिए मैं कहूँ 9 की 11 से गुणा की जाए तो आप डायरेक्ट कर देंगे 11 × 99, ये तो आसान है, इसको नहीं करना ना। हमने क्या करना, हमने ये कहा आपसे कि 11 की इससे गुणा करनी है, तब आप लिखेंगे 11 × 99। ऐसे नहीं, कुछ नहीं करना आपको, क्या करना, 9 ऐसे ही लिख दिया। क्या लिखा, 9 ऐसे ही लिख दिया, मतलब इकाई का अंक एज इट इज रख दिया। अब हमने इनको दोनों को ऐड किया, 9 और 8 कितने हो गए, 17 का लिखा 7, बचा कितना 8, 8 में 1 जोड़ दो, 8 और 1 9। ठीक दोस्तों, अगला देखो, जैसे ये है आपकी, ये ठीक 589 × 11, इसकी 11 से गुणा करनी है। मैंने क्या कहा आपको, इकाई का अंक ऐसे लिख दो, 9 लिख दिया आपने, अब आप इसको इसमें जोड़ देंगे, 9 और 8 17, 17 का 7 हासिल 1, 8 और 5 13 और 1 14, 1 बचा ना 5 और 1 6। आई समझ में बात। अगला देखते हैं, ये है जैसे इसकी 11 से गुणा करनी है, सिंपल सा इकाई को हम कैसे लिखो, 5 9 5 14 14 का 4, 9 7 16, 16 और 1 17, ठीक 6 7 13 13 और 1 14, 1 बचा ना 6 और 1 7, कितना टाइम लग रहा बताइए। इससे आसान हो सकता है, कुछ कुछ नहीं हो सकता। अब इसमें अगर दूसरा बन जाए, ये दे दे आपको 35, ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे कर देंगे 8 7 5 5 × 3 × 11। अब आप जानते हैं इसको हम पहले 11 से गुणा कर लो या पहले 3 से कर लो फिर 11 से कर लो, पहले 3 से कर लोगे तो आसान है, फिर 11 से हो जाएगी। इस तरह से अगर 11 का मल्टीपल है दोस्तों तो पहले मल्टीपल से गुणा कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, अपनी ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताएं। चलते हैं अगले ट्रिक पे। हमारी दूसरी ट्रिक कहती है जब 9999 से गुणा की जाए। बड़ा क्वेश्चन लेके, जैसे ये है आपका 900, ये है आपका 999, ठीक, इसकी गुणा आपको करनी 585 से। कितने से करनी दोस्तों, 585 से। तो इसमें से कितना माइनस करो, 1 माइनस कर देंगे, 5 में से घटाया कितना बचा 4, इसको ऐसे लिख दो 584। अब इसमें से इसको घटाना शुरू करो, 9 में से 5 4, 9 में से 8 1 और 9 में से 4 5, ये आ गया आपका आंसर। हम मान लो आपके पास एक क्वेश्चन इस तरह का आ जाए, इसकी गुणा आपको करनी 5665 से, ठीक, तो आपको क्या करना है कि इसका जो इकाई अंक है उसमें से कितना माइनस कर देना, 1, 5 में से 1 घटाया 4 7 6 5। अब आप इसमें से इसको घटाओ, 9 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 4, 9 में से 6 घटाएंगे आपका बचेगा 3, 9 में से 7 घटाएंगे बचेगा 2, 9 में से 4 घटाएंगे तो आपका बचेगा 5। बस कितना टाइम लगा, कुछ भी नहीं, कितना आसान है कि आप -1 कर दें, उसमें से घटाना शुरू कर दें इधर से और लिखना। एक और समझते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड। मान लो आपको दिया है 999, फिर आपको दिया है 706, इससे गुणा करनी आपको, लिखकर नहीं करनी, -1 करो, 705 बचा, बचा नहीं बचा 705, फिर क्या करेंगे, 9 में से 7 घटाएंगे 2 बचा, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 बचा 9 में से 5 घटाएंगे 4। कितना इजी है। अब एक क्वेश्चन यहाँ रेज होता है, देखिए ये तो जब है जब इसमें नंबर ऑफ डिजिट इक्वल है या सेम है, अर्थात अंकों की संख्या समान है, इसमें भी 4 अंक है आपके, इसमें भी 4 है, बट अगर कहीं ऐसा हो जाए कि इसमें 4 हो और इसमें 3 हो तब क्या करना वो देख लो। जैसे आपको दे दिया उसने ये और इधर दे दिया
53, इसमें चार अंक है, इसमें कितने आपके 3, अर्थात नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तब क्या करेंगे माइनस 1 कर दिया, आपका कितना आया 552। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ है 3, हमको करने 4 यहाँ भी, तो इधर तो 0 लगा नहीं सकते, यहाँ लगा लो बस, दैट्स ऑल, आसान हो गया ना काम। तो 9 में से 0 घटाया 9, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 9 में से 2 घटाएंगे 7, ठीक, कितना इजी है। अभी 0 की कोई वैल्यू यहाँ है ही नहीं, आप भी जानते हैं। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक है दोस्तों, इसमें एक ट्रिक और आती है, तो आपको ये तो समझ में आ चुकी बात कि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर नहीं है, अर्थात अंकों की संख्या बराबर नहीं है, तब आपने क्या करना है। दोनों बता दी मैंने, 11 वाली भी बता दी और 9-9 वाले अंकों की गुणा भी बता दी। एक आपको अगर सिंपली दो अंकों की गुणा करनी हो, एक बार में करनी हो, कैसे करेंगे, 5×6=30, 30 का 0 हासिल 3, अब इन दोनों की गुणा कर लो तिरछी करके, 5×5=25 और 6×7=42, 25+42 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 67, 67 और 3 70 का 0 हासिल लगे 7, और 5×7=35, 35 और 7 हो गए आपके 42, गुणा कितनी आ गई दोस्तों इसकी, 42 आ गई। इस तरह से आप कर सकते हैं, इसकी ऐसे गुणा करेंगे, देखो मैं एरो बता देता हूँ, ऐसे 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 और फिर ऐसे, आ गई समझ में बात। ये भी एक ट्रिक होती है किसी भी दो नंबर वाले के, ऐसा 3 नंबर वाले के साथ भी कर सकते हैं आप। एक और लास्ट जो ट्रिक है हमारी वो है कंसेक्यूटिव नंबर्स की, क्रमागत संख्याएं, जैसे 11 की गुणा किससे करनी है 12 से, या आपको 13 की गुणा किससे करनी है आपको 14 से, या 14 की गुणा आपको करनी 15 से। क्रमागत के लिए क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए क्या है कि जो स्मॉल नंबर है आपका उसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। जैसे 14 का स्क्वायर करेंगे आप तो 14 का स्क्वायर होता है 196+15, यानी स्मॉलर का ही स्क्वायर और स्मॉलर को ही ऐड कर देंगे, सॉरी 14 को ही ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 210। आई समझ में बात। देखो जैसे ये है 11 12 की गुणा करेंगे, 11 का स्क्वायर हो गया 121+11 ऐड कर देंगे तो 132। दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो, आपको बताना है ये बात कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस को।